गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी घर पर अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में सोने की सुराही दो पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम उसे आगे की पढ़ाई करेंगे। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोकझोंक चलती रहती। राजा किसी न किसी ऐसे अवसर की ताक में रहते जिससे कालिदास को मूर्ख बनाया जा सके, किंतु महाकवि भी उसका ऐसा करारा जवाब देते कि राजा निरुत्तर हो जाते। ये विक्रमादित्य और कालिदास जो हैं वो दोस्तों की तरह रहते हैं। वे हमेशा नोकझोंक करते रहते हैं और राजा विक्रमादित्य जो हैं वो हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते जिससे कालिदास को मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन महाकवि भी हैं जो राजा को ऐसा जवाब देते कि राजा चुप हो जाते। विक्रमादित्य का ध्यान जब महाकवि के विकृत चेहरे की ओर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। राजा बोले, आप निसंदेह अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। विक्रमादित्य का जब ध्यान महाकवि कालिदास पर पड़ता है तब वे उनका मजाक उड़ाने के लिए मचल उठते हैं और बोलते हैं, आप निसंदेह अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। दरबार से उठकर कालिदास सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने रातों रात सोने की अत्यंत सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया। दूसरे दिन कालिदास दरबार लगने से पहले वहां पहुंचे। उन्होंने मिट्टी की सुराही हटाकर उसकी जगह चमचमाती सोने की सुराही पानी भरवाकर रख दी और दरबार से उठकर कालिदास सीधे सुनार के पास जाते हैं और सुनार को रातों रात एक सुंदर सुराही, सोने की अत्यंत सुंदर सुराही बनाने का आदेश देते हैं। और दूसरे ही दिन कालिदास दरबार में दरबार लगने से पहले पहुंचते हैं और उस मिट्टी की सुराही को हटाकर सोने की सुराही में पानी भरकर रखवा देते हैं। ठीक समय पर पहरेदार ने गुहार लगाई। जम्बूद्वीप अधिपति महाराजाधिराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में प्रविष्ट हुए। सभी नवरत्नों, सभासदों और गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। राजा के सिंहासन पर विराजने के बाद सभी ने आसन ग्रहण किया और इस तरह से राजा समय पर राजदरबार में प्रवेश करते हैं और दरबार में जितने भी सदस्य हैं वो राजा का स्वागत करते हैं और राजा के सिंहासन पर विराजने के बाद ही सभी अपना अपना आसन ग्रहण करते हैं। आज भी बेहद गर्मी थी, तेजी से चंवर झल्ले जा रहे थे, लेकिन उसकी हवा भी गर्म थी। सिंहासन पर बैठते ही राजा को प्यास लगी। उन्होंने पानी मांगा। सुराही में से पानी लेकर सेवक ने गिलास भरा और राजा को दे दिया। एक घूंट भरते ही राजा सेवक पर उबल पड़े, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? और राजा सिंहासन पर बैठते हैं और बैठने के साथ ही उनको प्यास लगती है। वो सेवक से पानी मांगते हैं। सेवक सुराही में से पानी राजा को देते हैं और राजा एक घूंट पानी पीते ही गुस्सा से चिल्ला उठते हैं, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक की घींघी बंध गई और राजा के डांटने से सेवक डर जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। कालिदास ने आकर सुराही का कपड़ा हटाया तो सभी दरबारी सोने की सुराही की चमक देखकर दंग रह गए और इस तरह से सेवक डर से चुप हो जाता है और कालिदास आते हैं और सुराही का कपड़ा हटाते हैं तो सुराही की चमक को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। फिर राजा क्रोधित होकर बोले, पानी क्या कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? इतनी गर्मी में इसमें पानी कैसे ठंडा होगा? कहाँ गई सोने की मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखा है? और इस तरह से फिर राजा क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि पानी
क्या कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? इतनी गर्मी में इसमें पानी कैसे ठंडा होगा? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखा है? इस तरह से राजा क्रोधित होते हैं और बोलते हैं। बच्चों, इससे आगे की पढ़ाई हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।